वो भी खुले हिंदुस्तानी भाषा में। स्पीड बढ़ा गुरु। जाने दे यार, गलती तो अपनी है, साइड तो देना चाहिए था। और साइड देखकर गाली खानी पड़ी। तुम्हारी जगह मैं होता ना, राइट को दबा के ठोक देता। गाली देने वाली हवा हो गई और तू बकवास किया जा रहा है। चुपचाप बैठ जा। और कितनी देर है नारायण? पैन बेल्ट टूट गई है, बस जाके लाना पड़ेगा। टाइम तो लग ही जाएगा मैम साहब। पन्ना लाल जी, नए शहर में पहला प्रोग्राम है, अगर हम लोग वक्त पे ना पहुंचे तो? आप घबराइए मत, कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। वाह वाह, किशन महाराज की जय। गाड़ी फेल हो गई गुरु, बदला लेने का मौका मिल गया। क्या हुआ, गर्म हो गई या हवा? भाई साहब, आप हमें शहर तक छोड़ देंगे? पहले ये बताइए, ये गाड़ी किसकी? इनकी है, इसलिए तो गर्म हो गई। क्या मतलब? इसका इंजन भी आपके दिमाग की तरह है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। बदतमीज। फिर गाली आपकी तो? आवाज बड़ी मीठी है, इसलिए गाली भी बड़ी सुरीली लगती है। क्या कहा, गाली भी सुरीली लगती है? अरे वाह 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 वाह। आशा देवी, आशा देवी, आपके गोल्डन वॉइस का इससे अच्छा तारीफ मैंने आज तक नहीं सुना। ये लड़का जो है ना, मिस्टर पिंटो, आपने यू कम विद मी, कम ऑन। बात तो सुनो, बात बात। आशा देवी, कहीं आप वो मशहूर गायिका तो नहीं? हाँ, शहर जल्दी पहुंचना था, गाड़ी ने भी धोखा दे दिया। बहुत अच्छा हुआ, इसी बहाने आपके दर्शन भी हो गए। बहुत नाम सुना था आपका, आपके गानों के कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं मेरे पास। सुनो, तुम हमें शहर तक पहुंचा दोगे? जरूर, चलिए। थैंक यू। श्री कृष्ण लाल अटका जी, जरा आगे की सीट साफ कर दो। वो तो मेरी गद्दी है। चलना। चलिए। कमान बॉयस। गुरु, चलिए चलिए चलिए। जरूर। किस पे? ट्रक पर। अच्छा, सीढ़ी है? सीढ़ी तो नहीं सर, लिफ्ट है। लिफ्ट किधर है? क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है? चलिए, आप चलिए। सड़क तो माल पर रहे हो बादशाह? सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल तो ठीक है, पर माल बड़ा चंगा। उन जाओ ना सरदार जी, असी तो जाने हैं, पर तुसी बड़े भागा वाले हो। इंजन गरम हो गया है, जरा पानी चेंज कर। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली गुरु। इसलिए कि मैं तेरे दिल की बात जानता हूं। चल इसी बहाने कप चाय पीने। हो जाए गुरु। यहाँ चाय बहुत बढ़िया मिलती है, क्या ख्याल है? मैं आलतू फालतू जगह खाती पीती नहीं।
आपको मालूम नहीं, राम लगन के ढाबे का खाना खाने फाइव स्टार होटल के लोग आते हैं। आपकी इच्छा हो तो आ जाइएगा। साला बिल्कुल अपने नाना पर गया है, नाक आँख कान सब आप जैसे राम लगन जी। नाना बनने की बहुत बधाई हो। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा दीपक बेटा। तो फिर तुम्हें बधाई गानी पड़ेगी। गा के जरा एक मिनट ठहरी। आशी जी, आज इस बच्चे का नामकरण है, खुशी का दिन है। अगर आपकी सुरीली आवाज में गीत हो जाए तो ये गरीब लोग खुश हो जाएंगे। होश की बात करो, मैं सड़कों पे नहीं गाती। चल बाबा। जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। ये ऊंचे महलों वाले भी, ये ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से, को ये नाम दिया। हमने उनको ये नाम दिया, जिस नाम पे आप मचलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं पर महफिल में। ये हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं पर महफिल में। हम में इनमें है फर्क बड़ा, हम में इनमें है फर्क बड़ा। हम जीते हैं ये पलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से। Thank you.
कैसे हैं जी हम कैसे हैं हम जैसे थे हम वैसे हैं इंसान नहीं वो मौसम है इंसान नहीं वो मौसम है जो वक्त के साथ बदलते हैं जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं ये ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही जलते हैं जाने हम सड़क के माफ कीजिएगा मैं तो भूल ही गया था आपको शहर पहुंचाना है मैं भी भूल गई थी तुम्हारा गाना सुनकर तुम्हारी आवाज भगवान की एक ऐसी देन है जो हर किसी को नहीं मिलती मैं चाहती हूं कि तुम एक बार दुनिया के सामने आकर अपने गीत सुना दो उसके बाद दुनिया तुम्हारे गीत गाएगी तुम हाँ कह दो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं शुक्रिया अपना ट्रक चलाने का धंधा बहुत बढ़िया है न किसी की गुलामी न कोई बंधन नहीं दोस्त संगीत की यही तो खूबी है कि अजनबी भी एक पल में दोस्त बन जाते हैं कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा अनमोल संगीत ट्रकों की आवाज और इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में खोकर रह जाए छोड़िए इन बातों आपको देर हो रही है आइए चले मेरी गाड़ी आ गई है नमस्ते शायद आज के बाद हम फिर कभी ना मिलें दोस्त अगर कभी मेरी याद आए जो कुछ मैंने कहा उसके बारे में जरूर सोचना दीपक बेटा मुंह मीठा किए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा चलो 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 अरे चलो जाने वाले बाल बुआ समझ गया गुरु मैं जाता हूं घर जल्दी पहुंच जाना बहुत अच्छा बाबूजी कैसे हैं? वैसे ही है उन्हें तो एक ही चिंता लगी रहती क्या कि हमारी शादी कब होगी तुम्हें तो कोई चिंता नहीं हटो ट्रक के सिर्फ चार इंस्टॉलमेंट बाकी हैं ट्रक मेरा हुआ और मैं तुम्हारा अपना मुंह मेरे करीब लाओ ना कॉलेज के दिनों से तुम्हारी आदत जानती हूँ अरे भाई कुछ नहीं करूंगा मुंह खोलो प्लीज ये किस खुशी में बच्चे के नामकरण की मिठाई है राम लगन जी के यहाँ तोता हुआ बहुत ही प्यारा बच्चा है तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है बेहद अगर तुमने मेरी मदद की तो हम 11-12 बच्चे पैदा करेंगे पूरी की पूरी क्रिकेट टीम एक से एक बढ़कर खिलाड़ी कावस्कर वेंगसरकर वाड़ेकर सोल कर बस कर चुप कर तो फिर कुछ और कर सुनो तुम 5 दिन के बाद आए हो अब फिर कब जाना है ये तो इनोस भाई से मिलने के बाद ही मालूम होगा
लेकिन आज मुझे कहीं नहीं जाना। फिर तो आज की शाम मेरी रही। कुछ प्रोग्राम है क्या? हाँ। क्या कुछ है पता ना क्या है। चला देहरादून का माल भरवा दो और ड्राइवर से कहना कि वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर ले। अच्छा जी। हाँ आदाब अर्ज़ यूनुस भाई। अरे दीपक तुम एक रोज पहले ही आ गए। देखिए आप शर्त हार गए। लाइए मेरे 100 रुपए। लाइए लाइए। यार जिंदगी में तुमसे कभी शर्त नहीं लगाएंगे। थैंक यू यूनुस भाई। एक आधा लंबा ट्रिप दिलवाइए ना। ट्रक के 3-4 इंस्टॉलमेंट बाकी हैं, जल्दी अदा कर दो। मगर जल्दी क्या है? मुझे तो नहीं, मेरी होने वाली चाहती है कि जल्दी से घर बसा लिया जाए। बस इतनी सी बात? अरे भाई शादी के लिए जितने रुपए चाहिए एडवांस ले लो। नहीं यूनुस भाई, एडवांस को मैं कर समझता हूँ। अपनी मेहनत की कमाई से काम चले तो मजा आता है। कोई लंबा ट्रिप? भाई है तो, मगर अजीब सा लगता है। आज ही तुम आए हो और कल सुबह जाना होगा। तो क्या हुआ, कहाँ जाना है? श्रीनगर। लवली, मजा आएगा। 6 महीने हो गए कश्मीर देखे। कल सुबह हाजिर होता हूँ। गुड लक। थैंक यू। चलता हूँ। आदाब। माँ। दीपक, अरे तू तो सुबह आने वाला था, मैं सारा दिन राह देखती रही। देर हो गई माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ हो जाए। तू मुँह हाथ धो ले, मैं खाना निकालती हूँ। है के बनाना पड़ेगा? सब कुछ है। देखो तो सही क्या बना है। अरे तू क्या देखेगा, तुझे खाना चाहिए ना। माँ देखने तो दो, इसमें क्या बात है। खिचड़ी, इसका मतलब ये हुआ जब मैं घर में नहीं रहता तुम अपने लिए खाना नहीं बनाती। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक होगी कैसे, तुम तो अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। मैं बाहर रहता हूँ, कहीं बीमार पड़ गई तो कौन देखभाल करेगा। अपनी माँ का इतना ख्याल है तो शादी क्यों नहीं कर लेता। लगता अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, वरना तुम तो अपना ख्याल नहीं रखोगी। तो फिर देखू कोई लड़की। लड़की तो मैंने देख ली है माँ, और बात भी पक्की समझो। और मुझे बताया तक नहीं, कौन है वो, कैसी है, नाम क्या है उसका? नाम है उसका माला, और बिल्कुल वैसी है जैसी तुम्हारी बहू को होना चाहिए। अब जल्दी से ब्याह कर ले, उसे ले आ। बस थोड़े दिन ठहर जाओ माँ, इधर किश्तें पूरी हुई, ट्रक मेरा हुआ, उधर बहू तुम्हारी हुई। अब जल्दी से खाना लगा दो, मुझे जाना है। अभी तो आया है, अभी कहाँ जाना है? वो मैं तुम्हारी होने वाली बहू को मिलने जाना है।
बेचारा गिर गया है हुजूर। अगर हो सके तो जरा इस तरफ भी देखिए। हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं, तुम्हें इस प्रोग्राम में लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा मत कहो, तुमने तो बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। कितना सुंदर गीत सुनने को मिला। गीत ज्यादा सुंदर था या गायिका? माफ कीजिए मिस्टर दीपक, आपको आशा देवी याद कर रही है। मुझे? जी। किस लिए? ये तो नहीं मालूम, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, उनका दूसरा आइटम शुरू होने वाला है। माला, मैं भी आया। आइए। मैं कम इन? आओ दीपक, आज हॉल में तुम्हें अचानक देखकर बहुत खुशी हुई, बैठो ना। ताज्जुब है, इतने सारे लोगों में आपने मुझे पहचान लिया। इंसान को भुलाया जा सकता है, उसकी कला को नहीं। तुम्हारा गीत तो बस भी... बस बस, आज मेरी बारी है तारीफ करने की। कितना सुंदर गीत था। कितनी मत... आशा, स्टेज तैयार है? चलती हूँ सेठ जी, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर दीपक, बहुत ही अच्छा गाते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, जरूर सुनेंगे किसी दिन आपको। आशा, शो का टाइम हो गया। अब चलिए, मैं आती हूँ। आप कौन सज्जन है? ये है सेठ ताराचंद जी, इन्होंने बहुत सारे नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। इन्हीं से मिलवाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया था। आप मुझे संगीत का पुजारी रहने दीजिए, क्यों खाम का एक ट्रक ड्राइवर को कलाकार बनाने की कोशिश कर रही है? ये तुम उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारा नाम चांद और सूरज की तरह चमकेगा। उस दिन मुझे कितनी खुशी होगी दोस्त, उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। आओ मेरे साथ। नमस्ते बाबूजी। आओ आओ बेटा। तबीयत कैसी है बाबूजी? ठीक है बेटा, जब तक सांस चल रही है चल रही है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। ऐसे क्यों कहते हैं बाबूजी? भगवान करे आप 250 साल जिए। नहीं बेटा, बस अब तो एक ही इच्छा बाकी है, मेरी आंखें बंद होने से पहले माला की शादी हो जाए। मेरे सिवा कोई है नहीं उसका। मैं चाहता हूं जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों शादी कर लो और मुझे मुक्ति मिल जाए। ये क्या बाबूजी, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। कल मैं कश्मीर जा रहा हूं, लौटते ही माँ से बात करके शादी की तारीख पक्की कर लूंगा। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। बाबूजी, मैं जरमाला से मिल लूं। जाओ बेटा जाओ। माला, तुम बिना बोले चली आई, मैं तुम्हें वहां थिएटर में ढूंढता रहा। मैं दो संगीत प्रेमियों के मिलन में दखल नहीं देना चाहती थी। आशा देवी से पहली मुलाकात मुबारक हो। पहली नहीं, दूसरी मुलाकात। क्या? हाँ, तुम इसे पहले भी मिल चुके हो? आज सुबह रास्ते में उनकी कार खराब हो गई थी, मैंने उन्हें अपने ट्रक में लिफ्ट दे दी। और फौरन ही उसे तुम्हें लिफ्ट दे दी? Are you jealous? What nonsense? मगर तुम इतना तो जानना चाहोगी कि आशा देवी ने मुझे क्यों बुलाया था? अगर मैं जानना चाहूं तो क्या तुम सच बोलोगे? अगर तुम यकीन करो तो सच ये है कि वो मुझे स्टेज के प्रोप्राइटर से मिलवाना चाहती थी। वो चाहती है कि मैं भी स्टेज पर गाऊं। बहुत खुशी की बात है, जरूर गाओ, बल्कि आशा देवी के साथ गाओ। जिंदगी में ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। मगर मैंने मना कर दिया। क्यों? इसलिए कि मैंने अभी अभी तुम्हारे बाबूजी को वचन दिया है कि कश्मीर से लौटते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। कश्मीर जा रहे हो, रास्ते में कोई मिल गए तो उसे लिफ्ट दोगे? सवाल ही नहीं उठता। कब तक आओगे? 7-8 दिन तो लग जाएंगे। ट्रक आहिस्ता चलाना। जल्दी से उस तरफ ले चलो। जी मैम साहब।
सुने थे मगर उनमें इतनी तड़प नहीं थी। आप यहाँ? ये तो मुझे पूछना चाहिए। यहाँ आओ, तुम यहाँ कैसे? ट्रक लेकर आया था, सोचा भी नहीं था कभी आपसे मुलाकात होगी। अरे ठीक से बैठ जाओ। कोई बात नहीं, थैंक यू। कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्त जो अपने बस में नहीं होती। जैसे तुमसे मुलाकात हुई और आज फिर मुलाकात हो गई, वो भी डन लेक में। इस झील के बारे में बहुत कुछ सुना था, आज पहली दफा देख रही हूँ अपनी आंखों से। बाकी बहुत खूबसूरत है। ये तो कुछ भी नहीं, कश्मीर के कोने कोने में कुदरत ने अपनी खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? जी हाँ, कई दफे। और कितने दिन रहोगे? कल दोपहर को चला जाऊंगा। इतनी जल्दी? मैं तो तुम्हारे मिलने का फायदा उठाना चाहती थी तुम्हारे साथ पूरा कश्मीर देख लूं। Oh, I'm so sorry. मुझे तो किसी भी हालत में कल वापस चले जाना है। आज के दिन तो फ्री हो ना? जी हाँ बिल्कुल फ्री हूँ, कोई काम नहीं। बस आज के दिन तुम मेरे हो। जी मेरा मतलब है आज का दिन मैं भी फ्री हूँ, आज के दिन तुम मेरे गाइड बन जाओ। बख्शीश मिलेगी मैम साहब? बिल्कुल। तो फिर चलो। गुरु कश्मीरी हैं? आशा जी। तू भी? मैं चला। चलो भाई जल्दी। तुमने वाकई ठीक कहा था, यहाँ हर जगह कुदरत ने अपनी खूबसूरती के खजाने बिखेर रखे हैं। कितना सुकून है यहाँ। न्यूज़ मग देखेंगे ना तो आप इसे भी भूल जाएंगे। शाम तक लौट आएंगे? जी हाँ बिल्कुल। चलो ऊपर आसमान, आसपास बर्फ से लदी चोटियां, नीचे मखमली घास, ऐसा लगता है हम अपनी दुनिया छोड़कर किसी और दुनिया में आ गए हैं। और थोड़ी देर में फिर अपनी दुनिया में लौट जाना होगा। आज अब कुछ हुआ है ना? शो तो होते ही रहते हैं, मेरी तो जिंदगी एक शो है जिसका टिकट खरीद कर लोग अपना दिल बहलाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़कर कहीं भाग जाऊं। ये आप क्या कह रही हैं? आप एक कामयाब गायिका हैं, नाम है, इज्जत है, दौलत है, ये सब सब यही सोचते हैं, लेकिन मेरी मजबूरियां कोई नहीं जानता। मजबूरियां? मैं 13 साल की थी, पिताजी चल बसे, मेरी माँ बीमार पड़ गई, मेरा बड़ा भाई बेकार था। माँ की बीमारी की जिम्मेदारी, गरीबी, भूख ने मुझे कलाकार बना दिया। मैं गांव के मेले तमाशों में नाचने लगी, पेट की आग बुझाने के लिए कभी कभी भूखे प्यासी भी नाचना पड़ता था। जब माँ गुजर गई तो मैं अपने भाई के साथ शहर चली आई,
स्टेज पे गाना शुरू कर दिया। जरा सा नाम होते ही मैंने कसम खा ली कि अब मैं किसी के इशारों पे नहीं नाचूंगी। आज लोग मेरा नृत्य देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन सिर्फ मैं तभी नाचती हूँ जब मेरा मन कहता है, जब मैं बहुत खुश होती हूँ। आज मैं नाचूंगी, गाऊंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो किसी से नहीं कहती थी। ऐसी बातें तुमसे कह गई, मन का बोझ हल्का हो गया। इसके लिए आपको कश्मीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं दोस्त, तुम्हारा। तुम मुझे यहाँ लाए, आज के शो में तुम मेरे खास मेहमान होंगे। शुक्रिया, आपका प्रोग्राम तो मैं किसी हालत में मिस नहीं करना चाहता। अब चलें, हाँ। वरना देर हो जाएगी। अब क्या होगा, लोग शो देखने आ चुके हैं। किसी छोटी मोटी जगह प्रोग्राम होता तो मुझे कैंसिल भी कर देता। लेकिन अचानक मुझे सर्दी लग गई, मेरा गला बैठ गया, तो मैं क्या करूं? इसमें कसूर मेरा है, मैं ही आपको घुमाने ले गया था। अजी छोड़िए इस बात को, अब मैं ओबराय पैलेस के जनरल मैनेजर को क्या जवाब दूंगा? आप नहीं जानते, अगर ये शो नहीं हुआ तो आशा देवी की कितनी बदनामी होगी। पन्ना लाल जी, अगर ऐसी बात है तो शो होगा, जरूर होगा। धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। ओ धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। मेरे दिल को पिरो के पायल में, मेरे दिल को पिरो के पायल में। हो गोरी, हो गोरी घुंघरू बना दे। धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। छन 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 बटन तेरे जो कुर्ते पे तूने लगाए, वो पास कितने मजदूर कितना कैसे मुझे चैन आए। कुछ और नहीं तो कदमों में, कुछ और नहीं तो कदमों में। थोड़ी सी जगा दे घुंघरू बना दे। धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। We'll be right back.
दुनिया में है इल्जाम जितने, इस दुनिया में है इल्जाम जितने, वो मेरे सर लग गए हैं। दिन रात उड़ने की सोचता है, इस दिल को पर लग गए हैं। इस पंछी को, इस पंछी को अपने नैनों के पिंजरे में बसा दे, घुंघरू बना दे, धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे, मेरे दिल को पिरो के पायल में गोरी घुंघरू बना दे, धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे, छन 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 छन। नमस्कार। कल सुबह से लेकर रात तक तुम गायब रहे, वो भी एक लड़की के साथ। क्या करते रहे? तुम कौन होते हो पूछने वाले? कोई नहीं, वैसे आज बंठन के कहां जा रहे हैं? आशा जी ने चाय पर बुलाया। इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो मैं माला जी से कह दूंगा कि आपके मजनू को एक और लैला मिल गई। ठीक है, तो मैं भी राम लगन जी से कह देता हूँ कि अपने गुलाबों के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर जल्दी से शादी करते। गुरु अच्छा हुआ आपका गला ठीक हो गया। आज भी आपका प्रोग्राम है ना? है, लेकिन आज कल वाली बात कहाँ, तुम एक दिन और नहीं रुक सकते? कल तो मुझे भी लौटना है। आपका और मेरा साथ कहाँ, मैं जाऊंगा अपनी ट्रक में और आप जाएंगी प्लेन में। एक्सक्यूज मी मैडम, सुरेश जी का टेलीग्राम आया है, बच्चा बीमार है, 500 रुपए मंगवाए हैं। पन्नालाल जी से कह के फौरन भिजवा दो, नहीं तो 500 की जगह 1000 भेजना पड़ेगा। ये सुरेश जी कौन है? मेरे बड़े भाई साहब। क्या करते हैं? कुछ नहीं, कहने को मेरे बड़े भाई हैं लेकिन उनकी सारी जिम्मेदारियां मुझ पे हैं। समझा, लेकिन जब आपका अपना घर संसार होगा तब। अपना घर संसार तो मेरे लिए एक सपना है। अपनी किस्मत ही कुछ अजीब है दोस्त, जो भी चाहती हूँ मिलता तो है लेकिन पल भर के लिए। हर औरत की तरह मैं भी चाहती हूँ मेरा अपना घर हो, कोई मेरा अपना हो। हो जाएगा, आज नहीं तो कल। देखिए आशा जी, ऊपर वाला हर किसी की जोड़ी दुनिया में भेजने से पहले बना देता है, सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन कब और कहां मिलेगा। न जाने क्यों तुम्हारी बात पर विश्वास करने को जी चाहता है। ऐसा लगता है कि अब जो भी चाहूंगी वो हमेशा के लिए मिल जाएगा। वो चाहिए? कश्मीरी शॉल है, पश्मीना शॉल, सिल्कन साड़ी और कुर्ता पीसेस। अच्छा अच्छा, सारी चीजें लेकर ऊपर आ जाओ। बहुत अच्छा जी। कुर्ती का कोई बढ़िया पीस बताइए। जनाब है, ये लीजिए, जेंट्स में लेडीज में? जेंट्स। जेंट्स ये निकालिए इसमें। हाँ, ये बहुत अच्छा पीस। कितना अच्छा। ये क्या? कल तुम मेरे गाइड बने थे ना, तो मेरी तरफ से छोटा सा प्रेजेंट। लेकिन इसकी क्या जरूरत? आहा, कितने रुपए? 65 जनाब। थोड़ी देर के लिए रुको। बेहतर। भाई साहब जी, मुझे भी एक शॉल और एक साड़ी चाहिए। जरूर जनाब, लेकिन ज्यादा कीमती ना। बेहतर हुजूर, यहाँ तो हर तरह का माल मिलता। ये रहा आपका कुत्ते का पीस, और ये लीजिए शॉल, ये देखिए, ये शॉल और देखिए। ये ठीक, साड़ी दिखाइए। ये लो। किसके लिए खरीद रहे हो? शॉल तो माँ के लिए ले रहा हूँ, साड़ी अपनी मंगेतर के लिए।
आपको ये कैसे लगी? बहुत खूबसूरत। पता नहीं माला को पसंद आएगी कि नहीं। माला नाम है उसका। हाँ आप लड़की है ना, अगर ये साड़ी आपको पसंद आई तो उसे भी पसंद आएगी। तुम उसे प्यार करते हो, प्यार से उसके लिए जो कुछ ले जाओगे सर आंखों से लगाएगी। तो फिर फैसला हो गया। भाई साहब ये साड़ी और ये शॉल पैक कर दो, अच्छी तरह पैक करना इसे। कहाँ खो गई आप? अब मैं चलूं? जाओगे? पता नहीं अब कब मुलाकात होगी, होगी भी या नहीं। कौन कब और कहाँ मिलता है ये तो ऊपर वाला ही जाने। अच्छा मैं चलता हूँ। ये तुम्हारे लिए लाया माँ। काहे को लाया? कमाता है तो बचा कर, अब तू घर बस आने वाला है। सबसे पहले माँ, फिर भगवान, उसके बाद घर संसार। क्यों रे, उसके लिए कुछ लाया? वो एक साड़ी लाया माँ, कहो तो दे आऊं। नहीं। हाँ? अच्छा दिया बेटे दिया। अच्छा माँ। और सुन हाँ? उसे मेरा प्यार देना। हाँ माँ। वाव साड़ी पसंद आई? बहुत अच्छी लगी है। तो फिर लो मैं बांध दूँ। तुम्हें साड़ी बांधनी आती है? एक दफा बांधी थी शोभा को। शोभा? कौन शोभा? वो हमारे पड़ोसी की बेटी है, छोटी सी है, बचपन में बांधी थी। बचपन में? ठीक। तो फिर लो मैं बांधू। मैं खुद बांध लूंगी। तो फिर जल्दी करो ना। तुम्हारे सामने इसमें हर चीज क्या है? ए मिस्टर, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। हाँ वो तो है। नाउ विल यू प्लीज गेट आउट। गेट आउट? हाँ। चल भाई। ओह लेकिन शादी के बाद तो बंधवा लोगी ना? चुप। पर्दे के पीछे। लेकिन इस पर्दे में से भी दिखता है। तो मुंह घुमा लो। घुमा लिया, जरा सा देख लूं तो तुम्हारा क्या जाता है। चुप। चुप। अब बाहर आओ। लो आ गए। क्या ख्याल है? वाह। खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? इसलिए कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। चलो। माँ क्या है? लड़की। लड़की? हाँ वही लड़की। वही लड़की? लेकिन कहाँ है लड़की? वो यही है, यही है। ये है वो लड़की माँ। अब मैं देख रहा हूँ माँ, इसने अभी तक तुम्हारे पाँव नहीं छुए। तुम कहो तो इसे मैं कैंसिल कर दूँ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। क्यों माँ, वो कैसे लगी? अरे ये तो लक्ष्मी का रूप है। मैं भी ढूंढती तो माला जैसी लड़की नहीं मिलती। मैं जल्दी ही शादी की तारीख पक्की करती हूँ। माँ जल्दी क्या है, कल पर तो शादी कर लेंगे। चुप रह। बेटी तू पहली बार अपने घर आई है, मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ। बैठ बेटी बैठ। हाँ हाँ बैठ बैठ। मैं
तुमने गहने और श्रृंगार उतार दिए? हाँ। अच्छा किया। वैसे भी ये बोझ थे तुम्हारे नाजुक बदन पर। मैं ठीक कह रहा हूँ माला, अब देखो ना, शेर शेरनी, मोर मोरनी, पक्षी जानवर कभी श्रृंगार करते हैं क्या? वो तो कपड़े भी नहीं पहनते, जैसे भगवान भेज देते हैं वैसे ही रहते हैं। हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। अरे वो कौन आ गया हमारे कमरे में? क्या करते हो? तुमने नकली श्रृंगार उतार दिए, मैं असली श्रृंगार रस का निर्माण कर रहा हूँ। क्या मतलब? अभी बताता हूँ। जानती हो माला, कल ही मैंने अखबार में पढ़ा, डॉक्टर ब्रायन की रिसर्च के अनुसार भारत ने सारे विश्व को एक बहुत ही सुंदर उपहार दिया। कौन सा? ये कहना सुंदर। माला, ढाई घंटे की एक फिल्म में क्या कुछ हो जाता है, प्यार, शादी, बच्चे और न जाने क्या क्या। क्या हम 7 दिन में ये सब कुछ नहीं कर सकते? जैसे कि कल शाम जब मैं घर आऊं, तुम शर्मा के कहो मैं माँ बनने वाली हूँ। ले बेटी, ये जरा गरम गरम पी ले, तुझे आराम मिलेगा। ले थोड़ा और ले। क्या बात है लीला चाची, क्या हुआ माला को? देख, तू जल्दी से जाके रिक्शा ले आ, इसे अस्पताल ले जाना है। रिक्शा अस्पताल? लेकिन हुआ क्या है? तू जा ना, जा। ओ, ओ, अच्छा अच्छा, अभी लाया। लड़की हुई है? हाँ। माँ और बच्ची कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। मुबारक हो नानी। मुबारक हो चाचा। क्या बेटी, बच्चा होने पर लोग गीत गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, और तू रो रही है? मुझ जैसे अभागन माँ कौन होगी जो अपने बच्चे को देख तक नहीं सकती? नहीं नहीं नहीं, हम देख के बताते हैं। वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक, तुम्हारे होंठ, है ना चाची? हाँ रे, बिल्कुल गुलाब का फूल। नहीं नहीं, ये तो बहुत प्यारी नन्नी मुन्नी जापानी गुड़िया है। हाँ, इसे आश्रम में पहुंचने तो दो, सबका मन मोह लेगी, और हम इसे गोद में उठाकर नाचेंगे गाएंगे और दुनिया को भूल जाएंगे। क्या अभी तक सोई नहीं? सोएगी कैसे, इतनी देर गोद में घुमाया, झूला झुलाया, अब मजे से खेल रही है। इतना ज्यादा प्यार करेंगे तो इसे आपकी आदत हो जाएगी, तो फिर मेरे पास नहीं रहेगी। ये गुड़िया है ही इतनी प्यारी कि कोई इसे देखकर प्यार किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हें पता है, एक तरह से कानूनी तौर पर ये मेरी बेटी बन चुकी है। अस्पताल में इसके पिता या किसी रिश्तेदार का नाम लिखवाना जरूरी था, मुझे किसी का नाम मालूम नहीं था, इसलिए मैंने अपना नाम लिखवा दिया। अजीब बात है, आपने बिल्कुल सही नाम दे दिया। क्या मतलब? इसके पिता का नाम भी दीपक था। सच? तो फिर मैंने इसके लिए जो नाम सोचा है वो ठीक ही सोचा है। क्या? दीपमाला। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया?
नहीं, बहुत पसंद आया। Oh!
अपने घर का नाम आशादीप क्यों रखा? इसलिए कि बुझे हुए दीप को आशा ने ज्योति दी और अंधेरा उजाले में। क्यों तुम इस नाम से खुश नहीं हो? खुश तो बहुत हूं दोस्त, तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिंदगी के सफर में जब तुमसे मुलाकात हुई, उसी रोज मेरे दिल ने चाहा कि तुम्हारे गीत लोगों तक पहुंचे और संगीत की दुनिया में चांद और सूरज बनकर चमको। आज हर एक की जुबान पर तुम्हारे गीत हैं, तुम्हारा नाम है। मेरा सपना सच हुआ दीपक, जो मैं चाहती थी सब कुछ तुम्हें मिल गया। अच्छा। लेकिन बेटी, सब कुछ मिल जाने के बाद भी यह घर सोना है जी। घर की असली शोभा बहू से होती है। ओफो माँ, फिर वही बात। बात तो बिल्कुल सही है, अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। माँ जी, आप कहें तो मैं एक अच्छी सी लड़की ढूंढूं। मैंने ढूंढ ली है और पसंद भी कर ली है। मुझसे पूछे बगैर? तुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मगर वो है कौन? क्यों, जरूरत थी? माँ। दीपू बेटी। आई माँ। आ गई, बैठ। लिखिए माँ, ये देखो। जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिखा है ना? बिल्कुल, तुमसे भी अच्छा लिखा है। मोती जैसे अक्षर हैं हमारी दीपू के। ये देखो, हम अपनी दीपू के लिए क्या लाए हैं। गरम गरम जलेबी। हाँ। एक आपके लिए। हाँ। एक माँ के लिए, और बाकी मैं गौतम और मालती के साथ बांध के खाऊंगी। अच्छा चलो। देखो, यही एक बुरी बात है तुम्हें, बात बात पे रोने लगती हो। मैं तो चाहती हूँ आपकी तरह हर दुख का सामने हंसते हुए करूं, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी मुझे रुला देती है। मेरी आंखें होती तो मैं किसी पे बोझ नहीं बनती। माला, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? बहुत दिलासा दे चुके आप, बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए, लेकिन मेरी जिंदगी का अंधेरा कोई दूर नहीं कर सकता, आप भी नहीं। मुझे तो इसी अंधेरे में जीना है, इसी अंधेरे में मरना है। मुझे उम्मीद थी कि अपने आप ठीक हो जाएगी। अब चूंकि इतना अरसा गुजर चुका है, मेरे ख्याल से किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है। ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा होगा? खैर ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जमाने के हिसाब से 5-7 हजार तो लगेंगे। 5-7 हजार? मॉरिशस में मेरे भाई का बहुत बड़ा धंधा है, वहां मंदिर कम और हिंदू लोग बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारी मूर्तियां वहां हाथों हाथ बिक जाएंगी। मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सेठ जी, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। तुम फिक्र मत करो दीपक, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे मॉरिशस जाने का इंतजाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। दादा, फिर वापस कब आओगे? अब रोना नहीं बेटे, रोना नहीं। हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। देखो, माँ का ख्याल रखना और हर वक्त उसके पास रहना। मैं फिर रोने लगे। ना, ना, एक मिनट इधर। Mm-hmm.
चाची ये लो रख लो, रोज सवेरे दीपू के लिए गरम गरम जलेबी लेकर आना। पहली बार इतनी दूर अकेला जा रहा है बेटा, अपना ख्याल रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चाची, मैं 2-3 महीने में ही वापस आ जाऊंगा। माला जी एक वचन दो। क्या? कि मेरी गैर हाजिरी में तुम दीपू को बिल्कुल नहीं डांटोगी। जी नहीं डांटूंगी। जाने की तैयारी हो गई बेटा? हाँ बाबा, बस आपके चरण छूने बाकी थे। जीते रहो, ईश्वर करे तुम्हारी यात्रा सफल रहे। अच्छा बाबा, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बेटी, दीपक के बिना आश्रम सोना सोना लगेगा। दीपू, मैं हूं बेटी। कैसी तबीयत है तेरी? अरे तेरा बुखार तो अभी तक नहीं उतरा। उतर जाएगा चाची, सुबह से दीपू गायब है। मेरा मन घबरा रहा है, वो आज तक इतनी देर कभी बाहर नहीं रही। यही कहीं खेलती होगी। मैं एक घड़ा पानी और भर लूं, फिर देखती हूँ। देखो बाबूजी, राम जी है, हनुमान जी है, राधा कृष्ण की जोड़ी भी है। नहीं मुझे नहीं चाहिए। एक तो ले लो बाबूजी, आपका बच्चा खेलने का, सब 1 रुपया। मेरा कोई बच्चा नहीं। तो अपने पूजा घर में रख लेना। ले लीजिए ना बाबूजी, मेरी माँ बहुत बीमार है। ले लीजिए ना बाबूजी, ले लीजिए ना बाबूजी। जोड़ी तो 2 रुपए की है बाबूजी, 2 रुपए दीजिए बाबूजी। रख लो, तुम्हारी माँ बीमार है ना, काम आएंगे। बाबूजी, बाबूजी सिर्फ 2 रुपए, बाबूजी। माँ, तुम्हारा माथा तो अभी तक जल रहा है। क्या कहती तू? माँ, माँ, मैं तो तुम्हारे लिए दवा लाने गई थी। डॉक्टर साहब ने कहा था हर 3 घंटे के बाद दवा देती रहना, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। तेरे पास दवा के लिए पैसे कहाँ से आए? चाचा के जो खिलौने थे ना, मैं बेचने गई थी। मेरी बच्ची, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। ना माँ, रो मत माँ, तेरी तबीयत खराब है ना। कितनी सुंदर मूर्ति है, कहाँ से लाए? कल अपने घर के बाहर एक बच्ची खिलौने बेच रही थी, उससे ले ली। बनाने वाले की तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल जीती जाती मूर्ति है। तुम्हें पसंद है? इसका मतलब है तुम्हारी और मेरी पसंद एक है। चलो इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। अभी लाए। लीजिए। थैंक यू। अरे ये बच्चे कौन है? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते आशा, ये वही लड़की है जो कल मूर्तियां बेच रही थी। कैसे आना वो बेटे? बाबूजी, कल आपने ज्यादा रुपए दे दिए थे, माँ ने कहा बाकी रुपए वापस करके आओ, ये आपके 8 रुपए। हम रुपए वापस नहीं लेंगे, हम तुमसे और खिलौने लेंगे। क्यों आशा? आज तो मैं खिलौने नहीं लाए बाबूजी। कोई बात नहीं,
कल ले आना। अच्छा बाबूजी, आपने राधा कृष्ण की जोड़ी तो ले लिए, पर मेरे पास राम सीता है, शंकर पार्वती है, और बाबूजी मेरे पास हाथी है, घोड़े हैं, और साथ में मोर भी है। आप क्या लेंगे? तुम सब ले आना, हम सब खरीद लेंगे। हा? अच्छा बाबूजी, पर आप घोड़के को बोल दीजिए मुझे ना रोके। हाँ कह दे। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? दीपमाला। दीपमाला? जी बाबूजी, पर सब लोग मुझे प्यार से दीपू बुलाते हैं। मैं कल आऊंगी खिलौने लेके। नमस्ते बाबूजी। क्या हुआ? इस बच्चे का नाम सुनकर तुम किस सोच में पड़ गए? अजीब इत्तेफाक है। बहुत पहले सोचा था कि जब मेरी बेटी होगी तो उसका नाम मैं दीपाला रखूंगा। बड़ा प्यारा नाम है। अगर हमारी बेटी हुई तो हम उसका नाम यही रखेंगे। अगर बेटा हुआ तो? तो मैं उसका नाम प्रकाश रखूंगी, दीपक का प्रकाश। और आशा का कुछ नहीं? आशा का तो दीपक है ना। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात है, अगर हमारी बेटी हो तो बिल्कुल ऐसी हो। साहब। अरे दीपू, खिलौने लाई हूँ बाबूजी। इधर आओ ना बेटी, आओ। ये रे बाबूजी, जो आपको पसंद है ले लीजिए। हमें तो सब पसंद है, हम सब खरीदेंगे। सच बाबूजी, आप कितने अच्छे हैं। बेटी आओ मेरे साथ। अरे कितनी अच्छी मूर्तियां हैं, कहां से आई? इसे तो पूजा घर में रखना चाहिए बेटे। माँ वो एक छोटी सी बच्ची आई है, बड़ी प्यारी बच्ची है। लेकिन वो है कहाँ? आशा उसे अंदर ले गई, न जाने किस लिए। अब देखो कैसी लग रही है। अरे तो ये हमारी दीपू है, पहचाने ही नहीं जाती। माँ यही है वो बच्ची। बिल्कुल रानी बेटिया लग रही है। इधर आ बेटे, मेरे पास आ। जा बेटे जा। बेटे तुम्हारा घर कहाँ है? कहीं नहीं, वो जो शिव जी का मंदिर है ना, उसके साथ एक आश्रम है, वहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरी माँ के लिए अब मैं जाऊँ बापूजी। ठहरो, हमने तुम्हारे सब खिलौने खरीद लिए। अच्छा बाबूजी, अब मैं जाऊँ आंटी। पैसे जेब में रख लो बेटी, नहीं तो गिर जाएंगे। आंटी ये कपड़े? ये तुम्हारे हैं दीपू, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। नहीं माँ मुझे मारेगी। माँ क्यों मारेगी बेटे? माँ तुझे देखेगी तो गले से लगा लेगी, तुझे प्यार करेगी। अरे अरे क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, रोने क्यों लगे? अरे अरे क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? दीपू बेटे क्या हुआ, क्या बात है, रो क्यों रही है बेटे? मेरी माँ हाँ? देख नहीं सकती, वो अंधी है। रो मत बेटी, रो मत, हम तुम्हारी माँ की आंखों का इलाज कराएंगे, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सच माँ जी? हाँ बेटी, हम उसे आंखों के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। आओ मेरे साथ। चलो दीपक, हमें इसे घर छोड़ाते हैं और इसी बहाने इसकी माँ से भी मिल लेंगे। हम लोग चले जाते हैं माँ। हाँ हाँ जरूर जाओ बेटी, चल जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? जी हाँ। क्यों? वो कलकत्ते वाली पार्टी जिससे हमने एडवांस लिया था वो अभी आपसे मिलने आने ही वाले हैं। ठीक है आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आता हूँ। वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें फ्लाइट पकड़नी है और मुझे भी कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ डिस्कस करना है और कुछ कागजात साइन कराने। ओह हेल। कोई बात नहीं, आप बिजनेस देखिए, मैं दीपू की माँ से मिलाती हूँ। बैठो
आइए चलिए। और वो दिल्ली से ट्रंक कॉल आया था, उसके बारे में क्या क्या करना है? माँ माँ आप बैठिए, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। माँ। अरे तू आ गई, तुझे खिलौने लेकर गई थी? वो सब बाबूजी ने खरीद लिए, ये रहे पैसे। अरे कौन सा फ्रॉक पहना है तुमने? ये आंटी ने बना दिया, वो तुमसे मिलने आई है। मुझसे मिलने? हाँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी, तुम्हारी आंखों का इलाज कराएंगी। सोच क्या रही हो माँ, आओ चलो। आओ माँ। आंटी ये है मेरी माँ। नमस्ते। नमस्ते। आपके दीपू से हमारी इतनी जान पहचान हो गई है कि आपसे मिले बिना रहा नहीं गया। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय पीने में फिर कभी आ जाऊंगी। आज मुझे दीपू से पता चला कि आप देख नहीं सकती। मैं ये जानना चाहती थी कि आप जन्म से ही? नहीं नहीं, सर पे चोट लगने की वजह से मेरी आंखें चली गई। तो आपने किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाया? दिखाने से क्या फायदा, इलाज करवाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। ईश्वर की इतनी दया काफी है, इस आश्रम में सर छुपाने की जगह और दो वक्त की रोटी मिल रही है। निराश ना होइए, हम आपके आंखों का इलाज करवाएंगे, लेकिन पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होगा, फिर मैं खुद आकर अपने साथ आपको ले जाऊंगी। अगर मेरी आंखें ठीक हो गई बहन जी, तो आपकी कृपा से मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी। मैं अपाहिज नहीं रहूंगी, किसी की मोहताज नहीं रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर सकूंगी। इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकूंगी, लेकिन मेरी आखिरी सांस तक मेरा रोम रोम आपका आभा ही रहेगा। ये क्या कर रही हैं आप? जब हम दीपू को अपना समझते हैं तो आप ही हमें अपना समझिए। मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा आंटी। अच्छा बेटा। माँ। चंडीगढ़ जाने का बिल्कुल मूड नहीं, पन्नालाल जी ने फंसा दिया। फंसा दिया? ये तो फख्र की बात है, म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में तुम्हें खास तौर पे बुलाया गया है। तुम साथ होती तो बात और थी, अकेले जाने में क्या मजा। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अब जाओ तुम। क्यों, तुम छोड़ने नहीं आओगी? मेरा आई स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, दीपू की माँ को उनके पास ले जाना है। अच्छा सुनो, चंडीगढ़ पहुंचते फोन करना। हाँ ओके। ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। सच डॉक्टर? ऑफ कोर्स, 10-15 दिन इन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो जल्दी से ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहब, जितना भी खर्चा होगा हम देंगे। आप ऑफिस में जाकर इनके एडमिशन का बंदोबस्त कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। हाँ हाँ कह दूंगी बेटे। अच्छा बेटे जीते रहो। अच्छा अरे तू आ गई बेटे, अभी अभी दीपक का चंडीगढ़ से फोन आया था, वो तुझसे जरूरी बात करना चाहता है, फिर फोन आएगा। तुझे देर कैसे हो गई बेटे? दीपू की माँ को हॉस्पिटल एडमिट करवाने गई थी, डॉक्टर कह रहा है उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटी, वो तुम्हें जिंदगी भर दुआ देती रहेगी। हेलो। हाँ मैं, लेकिन मेरा वहां क्या काम? अब तो कल सुबह की फ्लाइट है। हाँ ओके बाय। क्या बात है बेटी? दीपक ने फौरन मुझे चंडीगढ़ बुलाया है, ऐसा कौन सा जरूरी काम हो सकता है? होगा तभी तो बुलाया है। ठीक है कल सुबह की फ्लाइट से चली जाऊंगी।
आज हमारी दीपू बिटिया पूजा कर रही है? हाँ बाबा, कल माँ की आंखों की पट्टी खुलने वाली है ना। हाँ। मैं भगवान जी से कह रही थी माँ की आंखें ठीक हो जाए, वो मुझे देख सके। माँ मुझे देख सकेगी ना बाबा? हाँ हाँ बेटे, जरूर देख सकेगी। भगवान बच्चों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। ये लो, जाओ। शंभो शंभो। नर्स, जब मैं कहूंगा तो तुम धीरे धीरे आंखें खोलना। अंधेरे से अचानक उजाले में आओगी तो एकदम साफ नजर नहीं आएगा, घबराना नहीं। अब आंखें खोलो। अब तुम देख सकती हो ना? जी हाँ, लेकिन कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। गुड, वेरी गुड। आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। रोती तो आज तक नहीं डॉक्टर साहब, तब आंसू नजर नहीं आते थे। आज मैं हंस रही हूं डॉक्टर साहब, हंस रही हूं। अपनी बच्ची को देखकर खुश हूं डॉक्टर साहब, मैं हंस रही हूं। मैं कितनी खुश मैं बता नहीं सकती, मैं हंस रही हूं। बाबा सदा सुखी रहो बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। चाची मेरे पांव मत छूबी थी, तूने मुझे देख लिया, मैं निहाल हो गई। डॉक्टर साहब हम इसे घर ले जाएं? जी अभी नहीं, दो दिन के बाद। डॉक्टर साहब आज मैं माँ के पास रह सकती हूँ? ओह जरूर रह सकती हो। माँ ये रख लो। कैसे हो? कैसी हो मुन्नी, ठीक हो ना? दामोदर चाचा कैसे हो? अच्छा हो। प्रभाकर काका नमस्कार, काकी खुश हो ना? चाची अरे दीपक बेटे जीते रहो, कैसा है तू? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। दीपू कहाँ है? दीपू 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 दीपक चाचा। अरे वाह, हमारी बेटी तो बिल्कुल जू की त्यू है, ना लंबी हुई ना छोटी, ना दुबली ना मोटी। हाँ देखो, हम बाहर से बहुत सा रुपया कमा के लाए हैं, अब हम तुम्हारी माँ की आंखों का इलाज करवाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम्हें देख सकेगी। माँ की आंखें तो ठीक हो गई चाचा। हाँ बेटा। बाबा प्रणाम। बाबा जीते रहो बेटे, तुम्हारे पीछे चमत्कार हो गया। एक भद्र महिला ने माला की आंखों का ऑपरेशन करवा दिया, उसकी आंखें ठीक हो गई। तेरी क्यों? लगता है आपके भगवान मुझे जिंदगी भर धोखा ही देते रहेंगे। आपने ही मेरा नाम रखा था दीपक, सोचा था किसी के अंधेरे को उजाले में बदल सकूं तो नाम तो सार्थक हो जाएगा। एक चांस मिला था, वो भी उसने छीन लिया। दीपक चाचा मैं तुम्हें हमेशा याद करती थी, कहती थी अब मैं तेरे दीपक चाचा को देख सकूंगी। अच्छा? हाँ आज उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। तो फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे उन्हें लाने। चलो। माँ देखो तो कौन आए।
बताओ ये कौन है? बता तू चाचा। अरे अब कब आए मॉरिशस से? आज ही आते ही पता चला तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। सोचा फौरन चलकर अपनी सूरत तो दिखा दूं। आज तक तो तुमने दीपू के चाचा की सिर्फ आवाज ही सुनी थी। नहीं, देखा भी था मन की आंखों से। वो तो कल्पना की बात थी, लेकिन अब असली रूप तुम्हारे सामने है। दोनों में फर्क तो होगा। सिर्फ इतना ही, जो तस्वीर धुंधली थी वो एकदम साफ हो गई। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया है आपको। माँ, हम तुम्हें लेने आए, चलो ना। चलो ना बेटी। आश्रम जाने से पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। दीपू, मुझे अपने बाबूजी और मैम साहब के घर ले चलोगी? चलो माँ। हाँ चलो। बाबूजी मैम साहब घर पे हैं? नहीं, वो दोनों बाहर गए हैं, दो तीन दिन के बाद आएंगे। कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे। लीला चाची, तुम कहती थी ना कि तुम्हारे बाल बहुत गिरने लगे हैं। हाँ। सफेद होने लगे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज लाया। अच्छा? हाँ। दिखा दिखा। जरा आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। अच्छा बाबा। हाँ। ले। खोलो। हाँ, एक मिनट हो गया सर। हाँ, अब आंखें खोलो। बेशरम कहीं का। लगता है आपके पास खुशी का एक बहुत बड़ा खजाना है जो आप सबको बांटते फिरते हैं। सबको नहीं, सिर्फ उन्हीं को जो अपने लगते हैं, फिर भी कोई अपना नहीं। मेरे लिए क्या लाए हो? दीपू। हाँ, बस एक दीपू अपनी है जो अधिकार जताकर कोई भी मांग कर सकती है। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे एक गुड़िया लाया हूँ। कैसी है? बहुत अच्छी है चाचा, बहुत अच्छी है। मैं अभी जाकर गौतम और मालती को दिखाती हूँ। हाँ। कितनी खुश हो गई है। क्या कीमत होगी इस गुड़िया की? दीपू की खुशी से बहुत कम। और ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसकी कीमत मत पूछना। मेरा ख्याल था तुम्हें पसंद आएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। सभी के लिए कुछ न कुछ लाया हूँ, उन्हें दे दो। शंभु, क्या बात है? आज मेरे पास आकर भगवान के सामने खड़ा है, कहीं मानने तो नहीं लगा? अगर मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए तो मान लूंगा। कौन सी इच्छा? बात यह है बाबा, कुछ दिनों से मन में एक नई इच्छा पैदा हुई है। सोचता हूं घर बसा लूं, किसी को अपना बना लूं। ये तो बहुत अच्छा विचार है बेटा। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो, समझते हो, और फिर अब तो तुम्हें घर बसा ही लेना चाहिए। उस बेचारी को भी सहारा मिल जाएगा। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? माला की। तू उसी के बारे में कह रहा था ना? मैं तुम्हारे विचार से खुश हूं बेटा। मैं माला से बात करूंगा बाबा। हाँ दीपू, आज बड़ी जल्दी सो गई। आइए ना, आपसे कुछ बात करनी है, बैठिए। हाँ। मुझे दो तीन रोज के लिए चंडीगढ़ जाना है, दीपू का ख्याल रखिएगा। दीपू की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें चंडीगढ़ क्यों जाना है? वहाँ पिताजी के जान पहचान के कुछ लोग हैं, उनकी मदद से कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी।
तुम नौकरी करोगी? क्यों नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ और अब तो मेरी आंखें भी ठीक हो गई हैं। दीपू को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना है। काम मिलते ही शहर में एक छोटी सी जगह ले लूंगी और वहीं एक अच्छी से स्कूल में उसका नाम लिखवा दूंगी। अब तो मुझे सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। मेरा भविष्य तो दीपू के पिता के साथ ही खत्म हो गया। जिंदगी बाकी है वो दीपू के लिए है। वक्त देखते देखते गुजर जाता है। एक दिन दीपू की शादी हो जाएगी, फिर जिंदगी का भी मोह नहीं रहेगा। मोह किसी से होना भी नहीं चाहिए। ये सारा संसार अपने इस आश्रम की तरह है, जहां लोग आते हैं, चार दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तुम भी दीपू को लेकर यहां से चली जाओगी, फिर शायद यहां की याद भी ना आए। ऐसा मत कहिए, मैं और दीपू इस आश्रम को कभी नहीं भूल सकेंगे। और आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसका बदला इस जन्म में नहीं चुका सकूंगी। मैंने क्या किया, हमेशा से अकेला था, अपनेपन का भूखा था। अचानक तुम लोग मिले, अपनापन मिला। कुछ दिनों के लिए अपने आप को भूल गया था। सुबह उठते ही दीपू की प्यारी आवाज सुनने की आदत हो गई थी। उसकी भोली भाली सूरत देखकर सारी उदासी दूर हो जाती थी। अब रोज सुबह कौन पूछेगा, चाचा चले भी लाए? कौन कहेगा, चाचा शाम को जल्दी? भाई मेरे लिए तो पूरी हो गई, तुम्हारी? बस थोड़ी बाकी है। दीपक। हाँ माँ। बेटे यूनुस भाई को बुलाना ना भूलना। ये कैसे हो सकता माँ, वो मेरे पुराने मालिक हैं। ये देखो उनका नाम सबसे ऊपर है। और बेटी तुम्हारा ये काम खत्म हो जाए तो जल्दी से तैयार हो जाना, बाजार जाना है, बहुत सारा काम पड़ा है। जी अच्छा। कौन से काम माँ? बोलो मेरी गुड़िया का नाम क्या है? बाबूजी। अरे दीपू। बेटा तेरी माँ कहाँ? वो तो चंडीगढ़ गई है, वो कल परसों तक वापिस आ जाएंगी। क्या बात है बेटी? चाचा यही है वो बाबूजी जिनकी मेम साहब ने माँ की आंखों का इलाज कराया। मेम साहब है नहीं, बनने वाली है। इसी इतवार को हमारी शादी है, उसी का निमंत्रण देने आया था। आपसे प्रार्थना है आप दीपू और उसकी माँ के साथ जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। अच्छा बेटे चलता हूँ। शंभो आओ आओ बेटी। प्रणाम बाबा। जीती रहो बेटी, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? आपके आशीर्वाद से चंडीगढ़ के एक स्कूल में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। 400 रुपए महीने तनख्वाह और रहने की जगह। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बेटी, हमेशा ईश्वर की कृपा तुम पर बनी रहे। कब जाओगी? एक दो दिन के बाद। आज रविवार है और गुरुवार से काम शुरू करना है। अच्छा मामा, माँ मैं और चाचा तो तैयार हो गए, अब तुम भी तैयार हो जाओ ना, बाबूजी की शादी पे जाना है ना। अरे हाँ अच्छा बाबा। अच्छा जाओ जाओ बेटी। बाबूजी। दीपक, दीपक जिंदा है?
माँ वो देखो मेम साहब, उन्होंने तुम्हारी आंखें ठीक कराई थी। आशा दीदी, दीपक और आशा। दीपक जिंदा है, मेरे लिए ही बहुत है। आज वो आशा देवी से ब्याह कर रहा है, उस देवी से इसने मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस दी है। उसके उपकार का बदला चुकाने का एक ही तरीका है कि इन दोनों की जिंदगी से मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। हमेशा के लिए चली जाऊं, हमेशा के लिए। चलो बेटी माँ, चलो मेरे साथ। कहाँ है वो लोग? अरे आप कब आए? थोड़ी देर पहले, आप बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। दीपू कहाँ? अरे कहाँ रह गए दोनों? अभी अभी तो दीपू और माला मेरे साथ थे। माला? दीपू की माँ का नाम है, लेकिन माला नाम से आप चौंक क्यों गए? यूं ही। ये माला आपके आश्रम में आई कैसे? नदी में डूब गई थी, आश्रम के कुछ लोगों ने बचा लिया और अस्पताल पहुंचा दिया। होश में आई तो मालूम हुआ कि वो अंधी हो चुकी है, फिर हमारे आश्रम में रहने लगी, वहीं दीपू का जन्म हुआ। आप उसके पति के बारे में कुछ बता सकते हैं? इतना ही कि वो ट्रक चलाता था और शादी के कुछ ही दिनों बाद एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि इत्तेफाक से मेरा नाम दीपक है, आप भी दीपक हैं और माला के पति का नाम भी दीपक था। इसका मतलब है माला माला जिंदा है और दीपक मेरी बेटी है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मेरे दोस्त, तुमने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। जाओ, देर ना करो, अपनी माला और दीपू को ले आओ। क्या सोच रहे हो दोस्त, जाओ, कहीं देर ना हो जाए। आशा, आशा मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आशा। ये क्या कर रहे हो? आशा तुम महानता और त्याग की एक मिसाल हो, अपना घर उजाड़ कर दूसरों का घर बसाने वाले लोग बहुत ऊंचे होते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगा आशा। दीपक बाबू आप इन्हें ले जाइए। चलिए। सदा सुखी रहो बेटी। तुम तो दो रोज बाद जाने वाली थी, लेकिन ये अचानक। हाँ बाबा, हम कुछ चाहते हैं, भगवान कुछ और। अचानक एक पल में सब कुछ बदल जाता है। हाँ। सदा सुखी रहो।
माला तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें और दीपू को अपने साथ ले जाने आया हूँ। लेकिन अब नहीं दीपक। माला सुनो, माला जब एक्सीडेंट से बचकर मैं घर लौटा तो मुझे पता चला तुमने आत्महत्या कर ली है। तुम्हारे बिना मैं अपने आप को खत्म कर देता। अगर अचानक आशा मेरी जिंदगी में ना आती, इसीलिए अब तुम्हारी जिंदगी में आशा की जगह और कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। और उन्होंने मुझ पर जो उपकार किया है उसके लिए मैं जीवन भर उनके आभारी रहूंगी। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं माला। आशा ने सिर्फ तुम पर ही नहीं मुझ पर भी बहुत एहसान किए हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं उसी की बदौलत हूं। लेकिन आज जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरा अपना है, उस पर सिवाय तुम्हारे और दीपू के किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। न जाने किस्मत ने मेरे साथ ये मजाक क्यों किया। तुम्हारे होते हुए भी मैं तुमसे मिल ना सका और अपनी बेटी को मिलकर भी उसे पहचान ना सका। बाबूजी, आप सचमुच मेरे पापा हैं? हाँ बेटी। फिर आपने मुझे और माँ को छोड़ क्यों दिया था? छोड़ा नहीं था दीपू, हम लोग खो गए थे। आज हम लोग फिर मिल गए हैं। अब कभी नहीं बिछड़ेंगे। माला बधाई हो दीपक जी, बहुत बहुत बधाई हो। हमें इस बात की खुशी है कि आपको अपना परिवार मिल गया, और इस बात का दुख है कि हमारे आश्रम की इस रौनक को आप ले जा रहे हैं। हम आपको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जो आपका है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, और जो हमारा नहीं था उसे हम अपना समझ बैठे थे। माला, तुम हम लोगों को छोड़कर जा रही हो, लेकिन हम लोग तुम्हें और दीपक को कभी नहीं भूल सकेंगे। मैं भी आप लोगों को कभी भूल नहीं सकूंगी। मैं तो अनाथ हो गई थी, आश्रम में आकर मुझे मैका मिला, पिता समान पुजारी बाबा और माँ समान लीला चाची। मैं हमेशा कहा करती थी ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वरना मेरे ऐसे भाग कहाँ कि मैं अपनी बेटी को विदा कर सकूं। जा बेटी, भगवान तुझे हमेशा हमेशा सुखी रखे। माला ये लो, रखो। ये क्या है? 10,000 रुपए। जब मैं मॉरिशस गया था ना तो दीपू के नाम से एक लॉटरी टिकट खरीदा था और लॉटरी लग गई। सोचा था दीपू की शादी में काम आएगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना, इसकी क्या जरूरत है? आपको कौन दे रहा है? ये तो हमारी दीपू बेटी की अमानत है। ये लो बेटी। चाचा, मुझसे मिलने आओगे ना? जरूर आएंगे बेटी। जलेबी भी लाओगे ना? लाएंगे बेटी। आप जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो पराये होकर भी अपनों से ज्यादा अपने। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। आप लोगों के कारण आज मैं अपनी बेटी और पत्नी से मिल सका। अगर जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह आप लोगों के काम आ सकूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। भगवान हमेशा तुम्हारे परिवार को सुखी रखे। अच्छा बाबा,
चलो। का सुख वापस दे दिया, उसे उसके पति से मिलवा दिया, उसका घर संसार फिर से बसा दिया। मैं आज पहली बार तेरे आगे अपना सर झुकाता हूं। बस एक प्रार्थना है तुझसे, अब माला को कभी कोई दुख ना दे, कभी कोई दुख। आखिर तुझे ईश्वर की महिमा को मानना ही पड़ा, उसके सामने सर झुकाना ही पड़ा। हाँ बाबा, और आज तक जो नहीं समझ सका वो पल भर में समझ गया। क्या? लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो और वो सुखी हो जाए, लेकिन बाबा सच्चा सुख तभी मिलता है जब किसी और की आशा पूरी हो और अपनी आत्मा को संतोष मिले। दीपक, दीपक। हाँ बाबा। बेटे, आज मेरी साधना पूरी हुई, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। आशा का आशा है, आशा और निराशा है, थोड़े